हेलो एवरीवन, हम सीखने वाले हैं फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा कैसे फाइंड किया जाता है और ये फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको कुछ चीज़ें ये रिकॉल कराऊँ तो आपने पढ़ा होगा x की पावर n का डेरिवेटिव, e की पावर x का, sin x का, cos x का। इसी तरह से कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं जिनका डेरिवेटिव आपने डायरेक्ट याद किया हुआ है। तो जो भी डेरिवेटिव होता है आपके स्टैंडर्ड फंक्शन का, वो आया कहाँ से, ठीक है? जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो वो आया कहाँ से कॉस एक्स, ओके? तो वो आता है फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा, जिसमें एक फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करके दिखाऊंगा। जिस तरह से मैं ई की पावर एक्स का फाइंड करके दिखाऊंगा, उसी तरह से बाकी जो आपने याद कर रखे हैं वो भी ऐसे ही आएंगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर e की पावर x मैंने लिया हुआ है और मैंने डाला हुआ है डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल में जैसा कि मैंने बताया, एक फॉर्मूला यूज होता है, तो उसे मैं लिख देता हूँ। मान लीजिए कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ x है, उसका अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि dy वाई ओवर डी एक्स, तो वो होता है फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h। तो सारी कहानी इस फॉर्मूले के द्वारा आपने पढ़ी हुई है। जो भी अपने डेरिवेटिव लर्न किए हुए हैं, वे सभी डेरिवेटिव इस फॉर्मूले के द्वारा आए हुए हैं। तो e की पावर x का हम सीखते हैं, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल द्वारा फाइंड करना। तो ये जो है, इसी को बोलते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल द्वारा फाइंड करना। तो e की पावर x मैंने लिया हुआ है, जैसा कि आप जानते हो डायरेक्ट dy ओवर dx इसका क्या होता है, e की पावर x ही होता है। बट ये आया कैसे, वो इसके द्वारा आया, ठीक है? तो सीखते हैं कैसे। देखो क्या कहा गया है यहां पर, आपको लिमिट सॉल्व करनी है dy ओवर dx बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो। देखिए, ये आपका फंक्शन एफ एक्स है, जिसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, वो क्या है, एफ एक्स है। यहां पर कहा गया है लिमिट आपको h टेंस टू जीरो लेनी है फंक्शन x प्लस h। इसका मीनिंग क्या है कि जो फंक्शन एफ एक्स है, उसमें x की जगह आपको x प्लस h पुट करना है। तो हमारा फंक्शन क्या है, e की पावर x, e की पावर x में x की जगह हमें क्या पुट करना है, x प्लस h। तो क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस h हो जाएगा, माइनस क्या कहा गया है, फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, जिसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमारा यहाँ पर फंक्शन क्या है, e की पावर x अपॉन में किससे डिवाइड करना है, h से। इस लिमिट को सॉल्व कर लीजिए, जो भी लिमिट का आंसर होगा वही आपका e की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल द्वारा डेरिवेटिव फाइंड करना, ओके? तो देखिए, यहाँ पर अब हम इस लिमिट को सॉल्व करेंगे। आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्लियर है, ऊपर क्या दिख रहा है आपको, e की पावर x कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, e की पावर h बचेगा फिर, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा माइनस वन, ओके? तो मैं लिमिट को सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं h पुट करता हूँ, देखिए लिमिट सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, e की पावर जीरो यानी वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी जीरो हो जाएगा। तो फॉर्म क्या बनेगी हमारी, जीरो बाई जीरो, ठीक है? हम क्या करेंगे यहाँ पर, जीरो बाई जीरो फॉर्म हटाने के लिए आप या तो डेरिवेटिव कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, e की पावर x। यहाँ पर मैं e की पावर x का फॉर्मूला ओपन करता हूँ। e की पावर x का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लिमिट में क्या होता है, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टर टू प्लस एक्स की पावर अपॉन फैक्टर थ्री प्लस डॉट डॉट, इसी तरह से x यहाँ पर क्या है, बस h है, तो h में खुलेगा तो वन आता है प्लस h। देखिए, e की पावर x का फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं इस वन को सब्ट्रैक्ट कर सकूँ, h की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस, ये इसी तरह से डॉट डॉट चलता रहेगा, और माइनस में देखिए हमारा क्या है, और माइनस में है हमारा यहाँ पर वन, ओके? नीचे आपका h है ही। अब यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, वन से ये माइनस वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ से देखें तो ये होगा लिमिट h टेंस टू जीरो e की पावर x। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वन जब सब्ट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ से जो भी टर्म होंगे सभी में से h कॉमन आएगा, केवल h, तो मैं h कॉमन लेता हूँ, तो क्या बचेगा, देखो वन बचेगा प्लस, देखिए यहाँ पर वन बचेगा, फिर h अपॉन फैक्टोरियल टू बचेगा, आगे h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री बचेगा, इसी तरह से डॉट डॉट, और नीचे आपका क्या है, h। तो आप क्लियर देख सकते हैं, एक h से
एक एच कैंसल आउट हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में आप देखें लिमिट एस टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स बचेगा और वन प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस डॉट डॉट इसी तरह से। तो मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर देता हूँ, देखिए अब मेरी कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही है। यहाँ एच पुट करूँगा तो सारे जीरो हो जाएंगे और ई की पावर एक्स में वन की जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। ओके, तो इस लिमिट की वैल्यू हमारी क्या आई, ई की पावर एक्स, और जो यही लिमिट की जो वैल्यू होगी वही हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो e की पावर x का आप देख सकते हो e की पावर x होगी और यही आपने याद किया हुआ है। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल द्वारा फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना, जिसमें क्या यूज होता है, ये वाला लिमिट का फॉर्मूला। ओके, इसी तरह से आप अदर का भी फाइंड कर सकते हो, साइन x का, कॉस x का, टेन का, sec, cos x सभी का। ओके, log x, e की पावर x का मैंने बता दिया और x की पावर n का भी आप देख सकते हो, तो इसे आप नोट कर लें। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पर हम फिनिश करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से मैथमेटिक्स के टॉपिक पढ़ने को मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।